तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हैंडराइटिंग से जानिए अपनी पर्सनालिटी। हर इंसान के बोलने और चलने का तरीका अलग अलग होता है। इसी विविधता के कारण इंसान के व्यवहार और व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। लेकिन क्या हमारी हैंडराइटिंग के जरिए हमारे स्वभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है? इसका जवाब है जी हाँ। लेखन विशेषज्ञों के अनुसार हमारा व्यक्तित्व काफी हद तक हमारी लिखने की शैली को तय करता है। इसका अध्ययन ग्राफोलॉजी में किया जाता है। इसके अनुसार हमारी हैंडराइटिंग हमारी बॉडी लैंग्वेज की तरह होती है। जिस प्रकार चेहरे के भाव हमारे अंदर की बातें दिखाते हैं, उसी प्रकार हमारी लिखावट भी हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती है। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप अपने हैंडराइटिंग के जरिए अपनी पर्सनैलिटी को कुछ हद तक जान सकते हैं। तो पहला है लेटर साइज, मतलब लिखावट का आकार। आपके अक्षरों का आकार बता सकता है कि आप शर्मीले हैं या खुले व्यवहार के। एक्सपर्ट्स के अनुसार यदि आपकी हैंडराइटिंग छोटी है तो आप शर्मीले और अंतर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। ऐसे लोग हर काम को फोकस के साथ करते हैं। साथ ही ऐसे लोग बुद्धि से संबंधित कामों में बहुत तेज होते हैं। यदि आपकी हैंडराइटिंग बड़ी है तो आप खुले, कॉन्फिडेंट और ध्यान आकर्षित करने वाले इंसान हैं। ऐसे लोग मिलनसार होते हैं, जो लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं और किसी भी स्थिति में आसानी से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। दूसरा है वर्ड स्पेसिंग, मतलब अक्षरों के बीच का गैप। आपके द्वारा लिखे गए शब्दों के बीच की जगह से भी आपके स्वभाव और आदतों के बारे में पता चल सकता है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि जो लोग शब्दों के बीच ज्यादा जगह छोड़ते हैं, वे हर काम को आजादी के साथ करना पसंद करते हैं। इनका अपना ही एक कंफर्टेबल जोन होता है जहां ये अच्छा महसूस करते हैं। ऐसे लोगों को ज़्यादा भीड़भाड़ में रहना पसंद नहीं होता। वहीं दूसरी ओर जो लोग लिखते समय शब्दों में कम गैप रखते हैं, वे अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों को दोस्तों या परिवार वालों के बीच रहना पसंद होता है, इसलिए इनके दोस्तों की संख्या ज़्यादा होती है। कई लोगों में टाइम मैनेजमेंट की कमी भी देखी जा सकती है। तीसरा है पेन प्रेशर, मतलब दबाव। यदि आप पेन या पेंसिल का इस्तेमाल करते समय उस पर भारी दबाव लगाते हैं या उसे काफी टाइट पकड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस काम में काफी प्रतिबद्ध हैं। इस प्रकार के व्यक्ति कमिटमेंट में विश्वास रखते हैं, साथ ही ये भावनात्मक भी होते हैं। इस प्रकार के लोग जिस चीज को चाहते हैं उसके लिए अंत तक लड़ते हैं और अपने काम को हर दिक्कत के बावजूद पूरा करना चाहते हैं। ये कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों में टाइप ए पर्सनालिटी होती है। वही हल्के हाथ से काम करने वाले व्यक्ति संवेदनशील होते हैं। ये व्यक्ति ऐसे क्रियाकल्पों को करना पसंद करते हैं जिनमें कम शारीरिक काम की आवश्यकता हो। हालांकि ऐसे लोग लचीले होते हैं, जो परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकते हैं। लड़कों की तुलना में लड़कियां ज़्यादा हल्के हाथ से लिखना पसंद करती है। तो चौथा है इंक्लिनेशन ऑफ वर्ड्स, मतलब लिखावट का झुकाव। एक्सपर्ट्स के अनुसार आपकी लिखावट का झुकाव भी काफ़ी हद तक आपका स्वभाव बताता है। जिन लोगों के शब्दों का झुकाव दाई ओर होता है, वे फ्रेंडली लोग होते हैं। जो लोग के साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं, ये लोग खुश रहना पसंद करते हैं। इसी तरह लिखते समय जिन लोगों के अक्षरों के झुकाव बाई ओर होते हैं, वे आमतौर पर आत्मकेंद्रित होते हैं। अक्सर ऐसे लोग अपने आप में खोए रहते हैं, ये कम लोगों के साथ घुलते मिलते हैं। नेक्स्ट है सिग्नेचर, मतलब हस्ताक्षर। आपके हस्ताक्षर से भी पता लगाया जा सकता है कि आप अपने आप को दूसरों के सामने कैसे पेश करते हैं। यदि आपके हस्ताक्षर अस्पष्ट हैं, तो इसका मतलब है कि आप प्राइवेसी रखना पसंद करते हैं। आप खुद को दूसरों के सामने बहुत जल्द प्रकट करना पसंद नहीं करते। ये तेज बुद्धि और व्यस्त जीवन शैली का भी प्रतीक है। और यदि आपके हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से पढ़े जा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप खुद पर बहुत यकीन करते हैं और आपके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। कई लोग सिग्नेचर के नीचे लाइन खींचते हैं। इससे पता चलता है कि उस व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान की भावना है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके अगर कुछ सुझाव रहेंगे, अभिप्राय रहेंगे, तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे भेजते रहना।
और मेरा ये वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।